हेलो स्टूडेंट्स, इट्स ऑरविल ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड ईयर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी सॉल्व चैप्टर 16। इन दिस चैप्टर पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, वी नो देयर क्वाड्रेटियल हु हैज फोर साइड, यानी फोर साइड या फोर साइड की जो भी हमारी स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम क्वाड्रेटियल बोलते हैं। क्वाड्रेटियल के कई टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसी टाइप से पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होती है। उसके अबाउट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो डिक्लेरेशन है, पेज नंबर 185, आप पेज नंबर 185, एक क्वाड्रेटियल्स के टाइप हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और आइसोस्केल ट्रेपेजियम विद फिगर, इनकी डिफिनीशन लिखी है। आप इनको एक बार मस्ट रीड करेंगे ताकि आपको चैप्टर्स इजीली सॉल्व हो जाए। इसके अगेंस्ट पेज नंबर 188, पेज नंबर 188 पे ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एक बार फिर दी हैं। मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको ज्यादा इजी रहे। ये दिया हुआ है इन ए पैरेललोग्राम, इसकी जो अपोजिट साइड होती है यानी ये साइड AD, ये BC के पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। सिमिलरली जो साइड AB है वो DC के पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी, इफ ए पैरेललोग्राम है। और जो पैरेललोग्राम पे डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी AO OC के बराबर होगा, OB OD के बराबर होगा। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये बाइसेक्ट यानी आधा आधा आपस को बांटते हैं। ये जो साइड है ABCD ये एडजेसेंट साइड कहलाती है। ABCD या BCCD जो जॉइंट साइड होती है वो एडजेसेंट साइड कहलाती है, और एंगल A एंगल B ये इनका एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। इसके अलावा एंगल A एंगल C जो क्रॉस है, अपोजिट है, ये एंगल पैरेललोग्राम के ऑलवेज इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, A का C है, B का D है। तो इसको आपको समझ जो दी है ये एक बार और पढ़नी होगी ताकि आपको पैरेललोग्राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ जाए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आप क्वाड्रेटियल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पहले पेज नंबर 185, इसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटियल है जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे स्क्वायर चारों साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस इसके चारों साइड इक्वल होती है बट एंगल इक्वल नहीं होते, इसी टाइप से पैरेललोग्राम होता है अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसको आप पढ़ के और डिफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर आपका 188 पे पैरेललोग्राम की समरी दी है, इसको एक बार रीड करके राइट करना है कॉपी पे। अब इसकी एक्सरसाइज शुरू होती है जो मैं आपको सॉल्व आउट करके बता रहा हूं। जैसे योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ABCD है, कहीं से भी नाम रख सकते हैं हम ABCD। एंगल A इक्वल टू 110, एंगल A दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BCD, हमको एंगल B, एंगल C, एंगल D का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले बताया पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है पैरेलल होती है, इक्वल होती है, इसके अलावा अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं। तो एंगल A का अपोजिट एंगल है एंगल C, एंगल A 110 का दिया है तो एंगल C हो गया हमारा 110। इसी प्रकार से एंगल A और B में कंप्रोमाइज करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B ये एडजेसेंट एंगल है, AB या B या C, C और D, D और A ये एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम का होता है 180 डिग्री। तो एंगल A हमको फाइंड आउट है 110 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B हमको फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल हमने B फाइंड आउट कर लिया। अब B अपोजिट किसके है, D के,
तो एंगल बी जो होगा हमारा वो एंगल डी, तो बी 70 डिग्री का आया है, तो एंगल डी भी हमारा 70 डिग्री का हो जाएगा। तो इस टाइप से एंगल बी हमारा आ गया है 70, सी 110 और डी 70। ये हम सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल आपको पैरेललोग्राम और इक्वल, एक पैरेललोग्राम हमने ड्रा कर लिया ए बी सी डी। अब इसमें कह रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल आपके पैरेललोग्राम और इक्वल, यानी एडजेसेंट एंगल कोई से भी टू ले सकते हैं, ये इक्वल है, हमने एक्स मान लिया, ये आपस में इक्वल है, दोनों एक्स हो जाएंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच दीज एंगल, तो इनका मेजरमेंट यानी कितने के होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए 180 होता है, तो एडजेसेंट एंगल आपका एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने x लेट किया है, तो ये भी x है 180, 2x equal to 180, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180 upon 2 that is 90 degree, तो 90 के एंगल से हो जाएंगे। The next one is same question है, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे रहा हूं। पैरेललोग्राम जो है टू एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम फोर रेशियो दिया है, एक एंगल फोर है, तो जब रेशियो दिया होता है तो हम कोई कांस्टेंट एक साथ में जोड़ते हैं, तो फोर और फाइव रेशियो दिया है, 4x प्लस 5x। अब इसके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, यानी 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल है, तो सब 180 होगा, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल्स फाइंड आउट करना है 4, x की वैल्यू आई है 20, दैट इज ये हो गया आपका 80 का, यहाँ पे 5x है तो 5 मल्टीप्लाई 20 यानी ये हो गया 100 का, तो ये 100 का है, अपोजिट a हो जाएगा 100, ये 80 का है तो अपोजिट d हो जाएगा 80। एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, ए आपका 100 है, बी आपका 80 है, अपोजिट सी 100 का आ जाएगा और डी 80 का। इस टाइप से हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू एडजेसेंट, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 2 और 3 के जैसा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 130, ये अपोजिट एंगल ऑफ दिए हैं, हमने पैरेललोग्राम लिया, इसमें दे रखा है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो हमने इसको एक्स मान लिया, ए को हमने एक्स माना, तो सी ऑलरेडी हमारा एक्स हो जाएगा क्योंकि ये एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इन दोनों का सम दे रहे हैं 130 और हमको सारे एंगल निकालना है, तो यहां से हम पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे 65। सिमिलरली एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, ए हमारा 65 आया है, सी इसका अपोजिट है 65, और एंगल बी हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका एडजेसेंट है 180 में से लेस कर देंगे, 180 माइनस 65 115, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा 115, हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7,
द पेरीमीटर ऑफ ए पैलोग्राम इज 140 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें पेरीमीटर दिया है यानी इन चारों साइड्स का सम दिया हुआ है 140. इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 10, एक साइड दूसरे से 10 ज्यादा है तो हमने इस साइड को x मान लिया. अब कह रहे हैं जो सेकंड साइड है ये 10 ज्यादा है तो x प्लस 10 सेंटीमीटर. अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये x हो जाएगी, ये x प्लस 10. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के पहले हम साइड कैलकुलेट कर लेंगे. वेरी गुड, सम ऑफ ऑल साइड, चारों साइड का सम कर लेंगे. पेरीमीटर आपका गिवन है 140, इन चारों साइड का सम x प्लस x अपॉन 10 प्लस x प्लस x अपॉन 10. इसको सॉल्व करेंगे 4x, 10 10 20, 20 को साइड चेंज कर देंगे, 120 इंटू 4x, 4 से डिवाइड कर देंगे, x हमारा आ जाएगा 30. तो हमारी साइड हो जाएंगी AD x है, 30 आ जाएगी ये, तो ये भी 30. ये x प्लस 10 यानी 30 प्लस 10, ये भी हमारी 40 हो जाएगी, तो CD ऑलरेडी 40 सेंटीमीटर. इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन 19, इसका सेम है, 12 सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 ये रॉम्बस का है. मैं इसको आपको फिर से बता दूं ताकि एक्सरसाइज में कंफ्यूजन ना हो. ये दिया है द लेंथ 10th, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रॉम्बस 16 12 रिस्पेक्टिवली. ये रॉम्बस है, इसकी प्रॉपर्टी है रॉम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल. ये इसके डायगोनल है, एक डायगोनल दिया हुआ है D1 16, सेकंड डायगोनल दिया हुआ है D2 12. ये दोनों डायगोनल यानी AC दिया है 16 और BD दिया है 12. अब हमको ईच साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है. AD, BC, CD, AD इसकी हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो देखिए ये 16 है तो 8 into 8, ये 6 है, 6 12 है तो 6 और 6 में डिवाइड हो गया. अब ये बन गया आपका ट्रायंगल और इसको पाइथागोरस थ्योरम से हल कर लेंगे. इसको O पॉइंट मान ले रहे हैं इन ट्रायंगल AOB. हमको AB का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर निकालना है, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, 64 + 36 = 100 AB. स्क्वायर इक्वल टू 100, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, AB = 10, साइड आ गई 10. हम जानते हैं रॉम्बस की सारी साइड इक्वल होती है तो चारों साइड 10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 16 आप लोग सॉल्व करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप या स्कूल ऐप से इंडिकेट करेंगे. इफ अगर कोई क्वेश्चन फिर भी दिक्कत कर रहा है तो उसको मैं दोबारा सॉल्व आउट करके भेजता हूँ. थैंक्स.